तो क्वाइजर अभी हम निकल चुके अपनी इस खतरनाक सी साइकिल पर गाड़ियां चुराने, क्योंकि हमें पता चला है कि लॉस सैंटोस में खुला है एक नया अंडरग्राउंड शोरूम, और इस अंडरग्राउंड शोरूम में है बहुत सारी खतरनाक विंटेज कार्स। इनके पास 100-200 साल पुरानी गाड़ियां भी है, और इनके पास एक 100 मिलियन डॉलर वाली रोल्स रॉयस भी है जो कि 1998 की कार है। तो इन सारी गाड़ियों को चुराने हम आ चुके हैं इस खतरनाक से अंडरग्राउंड शोरूम में, और मैंने सोच लिया मैं सारी की सारी गाड़ियां चुरा के रहूंगा 100 मिलियन डॉलर वाली को मिला के। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। एक सेकंड, ये क्या, यहाँ पे तो लगता है इनके पास एक नई गाड़ी की डिलीवरी आई है, और ये सिक्योरिटी वाले भी अभी खड़े, और अंदर मुझे वो गाड़ी दिख रही है, ये तो कोई फरारी वाली गाड़ी है। और लगता है सबसे पहले गाड़ी हम यही चुराने वाले हैं, इसी से हम शुरुआत करेंगे। 1 2 3 पहले इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते हैं, और गाइस इनको हमने मार दिए। और गाइस ये गाड़ी हमें मिल चुकी है, देख सकते हो कितनी ज्यादा पुरानी है। इस गाड़ी में ना रेडियो है, ना फिर डिजिटल, कुछ भी डिजिटल नहीं है, सब का सब बहुत ही ज्यादा पुराना है, क्योंकि ये विंटेज कार कलेक्शन में से। ये इतनी ज्यादा खतरनाक दिखती तो नहीं है, पर ये बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है। जितनी ज्यादा पुरानी गाड़ी उतनी ज्यादा महंगी गाड़ी, इसलिए वो रोल्स रॉयस 100 मिलियन डॉलर्स की है। तो गाइस यार उस वाली गाड़ी को तो हम छुपा के आ चुके अपनी अगली गाड़ी चुराने। और ये क्या, एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे सिक्योरिटी गार्ड को किसने मार दिया, और मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई, मेरी फरारी। वो गाड़ी तो 15 मिलियन डॉलर की थी, किसने चुरा ली? तो गाइस अभी अभी हमें पता चला कि वो जो गाड़ी थी वो 15 मिलियन डॉलर्स की थी, और ये लगता है शोरूम का ओनर है। अभी हम चुपचाप से अंदर घुसने वाले, जब तक ये वहां पे देखता है फटाफट से शोरूम के अंदर घुस जाते हैं और इधर से गाड़ी चुरा लेते हैं। और गाइस ये सामने देख सकते कि पुलिस की गाड़ी है, और ये कितनी ज्यादा पुरानी है, ये देखो तो सरी भाई, बहुत ही ज्यादा पुरानी पुलिस की गाड़ी यहाँ पे हमें मिल चुकी है। ये देख सकते हो इतनी ज्यादा पुरानी गाड़ी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। चलो फटाफट इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। मैं इसकी लाइट यहाँ पे बंद कर दूं ताकि इसको बिल्कुल पता नहीं चले। चुपचाप यहाँ से निकलेंगे, इसको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला, और ये ओनर ने तो इस तरफ देखा भी नहीं। और गाइस मैंने पुलिस की खतरनाक सी विंटेज कार चुरा ली है। पुराने जमाने में ऐसी पुलिस की कार होती थी, कितनी ज्यादा खतरनाक है ये। तो गाइस हम जितनी ज्यादा पुरानी गाड़ी चुराते जा रहे उतना ज्यादा प्राइस इनका होता है। पुरानी वाली थी 15 मिलियन डॉलर की, और मुझे लगता है कम से कम 20-30 मिलियन डॉलर की तो ये पुलिस की कार भी होगी। मुझे पता चल चुका है मेरे यहाँ पे चोरियां हो रही है, इसलिए मैंने बहुत सारी पुलिस और सिक्योरिटी को बुला लिया। अब कोई भी चोर मेरी गाड़ी नहीं चुरा पाएगा। तो गाइस मुझे अपनी अगली गाड़ी चुराने जाना है, पर वहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी और पुलिस वाले आ चुके हैं। मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो गाइस मेरे पास ये आइडिया का बॉक्स है, अगर मुझे कोई भी नया आइडिया चाहिए तो मुझे इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा, पर इस पे लॉक लगा हुआ है, और ये लॉक को सिर्फ आप लोग खोल सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, उससे हमारा आइडिया का बॉक्स खुलने वाला है। तो फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कमेंट करके। तो गाइस वो क्वेश्चन है, हमारे पास कितनी आंखें होती है? मुझे इसका आंसर पता है, पर मैं इस आइडिया बॉक्स को मैं नहीं खोल सकता, इसको आपको ही खोलना पड़ेगा कमेंट करके इसका आंसर। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ अपने पास कितनी आंखें होती है। आप चाहे तो मेरी आंखें भी गिन सकते हो कितनी है, फटाफट से कमेंट करके बताओ, और ये खतरनाक सा आइडिया बॉक्स खुल जाएगा। 3 2 1 और ये खुल गया। तो गाइस अभी मुझे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया हो चुका है, क्योंकि वो कार का शोरूम है तो वहां पे उनको मैकेनिक की तो जरूरत पड़ती होगी, इसलिए मैं मैकेनिक की यूनिफॉर्म पहन के उनका ट्रक लेके जाने वाला हूँ शोरूम के अंदर, और ये मुझे रोकने भी नहीं वाले। ये आइडिया तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। चलो फटाफट चलते हैं। सर जल्दी से गेट खोलो, मुझे गाड़ी ठीक करनी है। पर मैंने तो कोई गाड़ी ठीक करने का ऑर्डर दिया ही नहीं था, तुम कहाँ से आयो? अरे सर भूल गए क्या, आपने तो मुझे बुलाया था। एक तो आप बार बार भूल जाते हो, आप क्या भूलने की बीमारी अभी तक गई नहीं क्या? अरे हाँ मैंने तुमको बुलाया था, आ जाओ अंदर आ जाओ, पुलिस वालों इनको जाने दो। चलो चलो फटाफट से चलते, सारी गाड़ियां आज मैं ठीक करने वाला। और गाइस यहाँ पे अंदर घुस चुके, गेट पर बहुत सारी सिक्योरिटी थी पर हम कैसे भी करके अंदर घुस चुके। और गाइस यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी है। ये देखो ये बुगाटी की सबसे पहली बुगाटी है, ये कितनी ज्यादा पुरानी है। अब देखो तो सर ऐसी बुगाटी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। और ये देखो एक F1 रेसिंग कार, ये भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फरारी की सबसे पहली फरारी, कितनी ज्यादा पुरानी है ये देखो। और
अभी की गाड़ियां देखोगे तो कितनी ज्यादा मस्त मस्त आती है, पर आपको तो याद होगा जितनी ज्यादा पुरानी गाड़ी उतनी ज्यादा महंगी। और ये देख सकते हो एक और खतरनाक सी विंटेज कार, और ये देखो भाई एक रेसिंग ड्रिफ्ट कार कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। और ये क्या लैम्बोर्गिनी की विंटेज कार, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस सर अभी हम इस खतरनाक सी विंटेज लैम्बोर्गिनी में बैठ चुके और उसका गेट भी ऊपर की तरफ खुलता है, मतलब पुराने जमाने वाली लैम्बोर्गिनी भी बहुत ही ज्यादा कूल थी। चलो गाइस सर फटाफट को लेके यहाँ से निकलते हैं। अरे मैकेनिक के बच्चे मेरी गाड़ी कहाँ पर लेके जा रहे अरे सर वो थोड़ा सा टायर में दिक्कत आ गई थी, उसमें गोबर अटक गया। अरे साइड हो जा। चलो गाइस सर फटाफट इनको उड़ाते हुए निकलते हैं यहाँ से। उस ओनर को हमने उड़ा दिया, सारे पुलिस वालों को उड़ा दिया। चलो गाइस सर फटाफट से खतरनाक से लैम्बोर्गिनी हमें मिल चुकी है, इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस सर इस गाड़ी को चुराने के बाद तो बहुत सारी पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। आप देख सकते हो ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है, सामने पुलिस वाले आ गए और ये गाड़ी यहाँ पर अटक गई। अरे जल्दी यहाँ से निकल। अरे गाइस सर बहुत सारी पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। अरे अंकल साइड हो जाओ। उन पुलिस वालों को जैसे मैंने ठोकर मारी इतने सारे पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ चुके। मुझे इस गाड़ी को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा और खुद को भी बचाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है, इस गाड़ी की तो हालत धीरे धीरे खराब हो जा रही है, ये तो इधर उधर ठुकती जा रही है। जितनी ज्यादा ये ठुकेगी उतना इसका प्राइस कम होगा। मुझे इसको जल्दी से जल्दी छुपाना पड़ेगा, इन पुलिस वालों से बचाना पड़ेगा, पीछे भी मुझे पुलिस नहीं आ रही है, जल्दी इसको कहीं ना कहीं छुपा देते हैं। तो गाइस सर इस बार जो मैं स्पीड में चोरी करने वाला हूँ आप देख लेना, इतनी ज्यादा तेज करूंगा कि कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। चलो फटाफट से शोरूम के अंदर घुसते हैं, हट जाओ सामने से। एक सेकंड यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। एक सेकंड वो ओनर कहाँ पे चला गया, और सारी सिक्योरिटी भी कहीं पे जा चुकी है, ये तो पूरा का पूरा शोरूम खाली हो चुका है। लगता है वो ओनर मेरे से डर के भाग गया, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त बात है। चलो गाइस सर फटाफट से बुगाटी के अंदर बैठते हैं और इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। अब वो ओनर मेरे से डर ही चुका है तो क्यों थोड़े मजे लीजिए। ये देखो भाई बुगाटी कितनी ज्यादा मस्त है, इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया की सबसे पहली बुगाटी थी और ये भी कितनी ज्यादा फास्ट चल रही है, इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से यहाँ से निकलते क्योंकि हमें और भी तो बहुत सारी गाड़ियां चुरानी। चलो ले 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 ले। अरे ये क्या, ये लोग कहाँ से आ गए? हैला तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चोरी करते हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। काले काले चोर, मैंने क्रिश को बुला लिया, अब वो तेरी हड्डियां तोड़ देगा, अब तो बच के नहीं जा सकता। अरे गाइस इन बूढ़े अंकल ने तो पूरा प्लान बना रखा था, मुझे यहाँ पे इन्होंने अटका दिया है, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? अरे गाइस ऐसे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे निकलने का। रुको मेरे पास एक आइडिया है, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये लो निकलो यहाँ से बाहर, सबके सब निकलो यहाँ से, सबको चला दूंगा, सबको चला दूंगा। आइला आइला मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आइला मेरे मुंह पे आग लग गई, मुझे बचाओ आइला। तो गाइस फटाफट सारे पुलिस वालों को मारते हैं, हट जाओ यहाँ से। और एक सेकंड, अगर ये आग फैल गई तो ये सारी गाड़ियों पे आग लग जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुको रुको मुझे इस आग को रोकना पड़ेगा। अरे गाइस आग तो मैंने ही लगाई और मुझे इस आग को बुझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आग ज्यादा फैली तो सारी गाड़ियों में आग लग जाएगी और मैं गाड़ियां नहीं चुरा पाऊंगा। और अभी तो मेरे 100 मिलियन डॉलर की रोल्स रॉयस चुराना बाकी है। अरे आग तो बुझ नहीं रही, अरे बुझा 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 ये क्या चल रहा है, अरे आग तो मेरे ऊपर ही लग गई। तो गाइस मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश कर ली पर ये आग यहाँ पर बुझ नहीं रही है। मुझे लगता है इस वाली गाड़ी को लेके यहाँ से निकल जाना चाहिए और मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आता हूँ। मैं फटाफट से जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आता हूँ ताकि मैं इस आग को बुझा पाऊँ। चलो फटाफट इसको रख के आते हैं और फायर ब्रिगेड गाड़ी को लेके आते हैं। तो गाइस सर अभी हम आ चुके हैं फायर ट्रक को लेके, फटाफट से इसको लेके चलते हैं, हमें सारी आग को बुझाना पड़ेगा वरना हमारी सारी की सारी गाड़ियां जलने वाली। ले लो पानी, सारा का सारा पानी ले लो, सारी आग बुझ जा। एक सेकंड यहाँ पे तो आग ऑलरेडी बुझ गई। और एक गाइस सर बच गए, हमारी कोई भी गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई, ये आग पूरी की पूरी बुझ चुकी है। अरे भाई बच गए, मैंने तो सोचा था मैं पूरा का पूरा गया, सारी मेरी गाड़ियां चली जाएगी, पर कोई बात नहीं गाइस सर आग सारी बुझ चुकी है और हमें ये खतरनाक सी F1 रेसिंग कार भी मिल चुकी है। चलो फटाफट से इसको लेके यहाँ से निकलते हैं और गाइस सर इसकी स्पीड टेस्ट भी कर लिया जाए, देखते कितनी ज्यादा ये तेज चलने वाली है, देखते ये कहाँ तक जाने वाली है। इसकी स्पीड देखो भाई कितनी ज्यादा तेज है, ये तो बहुत ही तेज चल रही है। एक सेकंड ये तो कंट्रोल नहीं हो रही मेरे से, अरे कहां जा रही है ये, बचाओ कहीं पे कहां जा रही है। अरे बच गए ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा तेज है, पुराने जमाने में भी कितनी ज्यादा फास्ट कार आती थी, ये बहुत बहुत ही ज्यादा तेज कार है। आयरन मैन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी उस चोर को रोकने के लिए, मुझे पता चल चुका है उसका नाम है फ्रैंकलिन, वो बहुत ही ज्यादा काला है और वो मेरी सारी गाड़ियां चुरा रहा है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी 100 मिलियन डॉलर की कार चुराए।
सर आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी आर्मी लेके आया हूँ उस फ्रैंकलिन को रोकने के लिए। अब वो चोरी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर वो हमें कहीं पर भी दिखा, मेरी सारी आर्मी उसको भून देगी। आप टेंशन मत लो। अरे कैसर, ये आयरन मैन तो पूरी की पूरी आर्मी ले आए, अब मैं शोरूम में कैसे घुसूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सारी गाड़ियां मुझे चुरानी है। कैसर मुझे लगता है आप ही मेरी मदद कर सकते हो, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी शोरूम के अंदर घुसने के लिए। फटाफट से कमेंट में लिखो हेल्प फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन को हेल्प करो। जो भी वीडियो देख रहा है फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो हेल्प फ्रैंकलिन, तभी मेरी मदद होगी और मैं वो सारी गाड़ियां चुरा पाऊं। और गाइजर आपके हेल्प फ्रैंकलिन लिखने से ये देख सकते हो मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ, मेरी खतरनाक सी बॉडी बन चुकी है और मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और अब मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, सारे के सारे आयरन मैन और उसके बॉडीगार्ड्स को मारूंगा बहुत ही ज्यादा बुरा वाला। ये ले भागो भागो, कहां जा रहे हो? तो गाइजर अभी सारे के सारे आयरन मैन सूटों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, इनको बताते हैं। ये सोच रहे थे कि ये मुझे मारेंगे पर मैं इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका हूं आप सबकी मदद से कि मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब तक मैं इन सभी लोगों को मारता हूं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, जितने आयरन मैन के सूट है सबको मारूंगा। ये ले निकल जाए यहां से। तो गाइजर यही वो ओनर है जो कि आयरन मैन को बुला रहा था मुझे मारने के लिए, पर अभी इसकी हालत खराब हो चुकी है। रुको रुको, ये देखो आयरन मैन के सूट कहां भागे जा रहे। अरे रुक जाओ, कहां जा रहे हो? अरे ये क्या, मेरी गाड़ी ब्लास्ट कर दी इन्होंने तो। अरे ये लोग पागल हो गए क्या, मेरी गाड़ी क्यों ब्लास्ट कर रहे हैं? अरे हट जाओ ये क्या हो गया, सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो चुकी है, बस ये $100 बिलियन की कार बची है। चलो फटाफट इसको लेके यहां से निकलते हैं, उससे पहले ये वाली भी ब्लास्ट हो जाए। अरे ये क्या हो गया, इन आयरन मैन के सूट्स के चक्कर में तो सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई, पर वो तो अच्छा है ये $100 मिलियन वाली बच गई जो कि सबसे मेन कार थी। तो गाइजर अभी मुझे मिल चुकी है $100 मिलियन की ये खतरनाक सी कार। ये कार ऑटोमेटिक है, मुझे बस उसको बोलना पड़ेगा रोल्स रॉयस कार मुझे मेरे घर ले चलो। और गाइजर ये गाड़ी अपने आप चल गई है, मैं यार मैं कुछ कर भी नहीं रहा, मैं आराम से बैठो और ये गाड़ी मुझे लेके जाएगी सीधा मेरे घर पे। पर एक सेकंड, मुझे सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई उसका क्या करूं, मुझे उन सबको रिपेयर करवाना पड़ेगा, ये मुझे वो सारी गाड़ियां चाहिए, अभी तो वो पूरी जल के राख हो चुकी है। एक काम करते हैं, मैंने इतनी सारी गाड़ियां चुराई ना, उसमें से एक दो गाड़ी बेच के बहुत सारे पैसे कमाते हैं, फिर उन पैसों से वो सारी गाड़ियां रिपेयर करवा देंगे, उससे हमारे पास बहुत सारी विंटेज कार हो जाएगी। पहले सबसे पहले इस वाली गाड़ी को लेके अपने घर पे पहुंचते हैं। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो तो हमने ट्रेलर मंगवा के ये सारी जो जली हुई गाड़ियां थी वो इसके ऊपर चढ़ा दी है। और गाइजर मेरी प्यारी सी फरारी भी यहाँ पे पूरी जल चुकी है और ये बाकी की विंटेज कार भी यहाँ पे जल चुकी है, पर कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगी। हमने एक रिपेयर कंपनी से बात कर ली, उन्होंने बोला $50 मिलियन में ये चारों के चारों गाड़ियां बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाने वाली है। तो गाइजर जब तक ये ठीक होती है, तो गाइजर जब तक हमारी सारी की सारी गाड़ियां ठीक होती है, जब तक देखा जाए ऐसा क्या है इस खतरनाक सी $100 मिलियन की विंटेज कार में जो कि नॉर्मल गाड़ियों में नहीं होता है। चलो गाइजर देखते हैं, इसकी स्पीड मुझे तेज लगी रही है पहले से। एक सेकंड, ये कौन सा बटन है, रुको उसको अभी दबा के देख। और गाइजर ये क्या, ये तो एक फ्लाइंग कार है। ओए गाइजर ये गाड़ी तो एकदम मस्त उड़ने लग गई है, देख सकते हो इस बटन को दबाते ही कितना ज्यादा मजा आ रहा है, इसको उड़ा के तो हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। एक सेकंड, एक और बटन है यहाँ पे, ये कौन सा बटन है? तो गाइजर ये बटन है ड्राइव ऑन वाटर का, मतलब हम अपनी गाड़ी को चला सकते हैं पानी के ऊपर। सोचो एक गाड़ी उड़ भी सकती है, पानी के ऊपर भी चल सकती है, बहुत ही ज्यादा तेज भी चलती है। हमें ना प्लेन की जरूरत है ना ही बोट की जरूरत है, हमारी खतरनाक सी $100 मिलियन वाली कार दोनों काम कर सकती है एक ही बारी में। और ये जेट की तरह तेज चलती है, वो देख दो सामने वो प्लेन जा रहा है मुझसे कितना ज्यादा तेज स्पीड में जा रहे हैं, उस प्लेन को अपने पीछे छोड़ दिया और कितना ज्यादा ऊपर भी हम जाते जा रहे हैं। ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइजर अब बारी आ चुकी है हमारे कार कलेक्शन के देखने की। तो गाइजर यहाँ पे मेरे मस्त घर ले लिया जहाँ पे मेरा पूरी की पूरी गाड़ियां खड़ी है। और गाइजर देख सकते हो लाइन में कितनी सारी गाड़ियां, हमारी सारी गाड़ियां रिपेयर भी हो चुकी है। $50 मिलियन देके हमने सारी गाड़ियां रिपेयर करवा दी और बहुत ही ज्यादा जल्दी हमारी सारी गाड़ियां रिपेयर हो चुकी है। तो पहले तो अपने नॉर्मल रूप में आ जाते हैं फटाफट से। चलो गाइजर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये खतरनाक सी दुनिया की सबसे पहली बुगाटी, इसकी हमने स्पीड देखी थी कितनी ज्यादा तेज थी। उसके बाद F1 रेसिंग कार जिसको हमने अपग्रेड करा दिया, अब ये और भी ज्यादा फास्ट चलती है। पिछली बार आपको याद होगा हमसे कंट्रोल भी नहीं हो रही थी, पर अब ये और भी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। ये फरारी जो कि हमसे ब्लास्ट हो चुकी थी, ये भी हमारी पूरी की पूरी गाड़ी बन चुकी है। चलो इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव कर ली जाए। ये देखो उसका गेट कितना ज्यादा मस्त खुलता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गाड़ी है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा मस्त है, वो भाई
ये फरारी सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगा था इस गाड़ी को मैं खो दूंगा, पर नहीं, उस कंपनी ने इस गाड़ी को बिल्कुल पहले जैसा कर दिया है, बिल्कुल नई नई गाड़ी है, लग रही है। चलो फटाफट इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं अगली गाड़ी हमारे पास कौन सी आई है। और ये वाली फरारी तो हमें सबसे पहले चुराई थी, ये यहाँ पे खड़ी। और हाँ, ये खतरनाक सी ड्रिफ्टिंग कार, इसमें हम रेस कर सकते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये देखो अंदर से इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज्यादा मस्त है और ये बढ़िया बढ़िया ड्रिफ्ट भी मारती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे मस्त लगता है। तो गाइस आप भी फटाफट से कमेंट करके बताओ, आप क्या प्रेफर करते हो, एक ड्रिफ्टिंग कार, सुपर कार, एसयूवी कार या फिर एक ओल्ड बहुत ही ज्यादा विंटेज कार? मुझे तो ड्रिफ्ट वाली गाड़ियां सही में बहुत ही ज्यादा मस्त लगती है। आप भी फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो गाइस देखते हैं अगली लैम्बोर्गिनी, ये हमने चलाई थी, बहुत ही ज्यादा मस्त थी ये जो कि हमारी ब्लास्ट हो चुकी थी, ये मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रही पुराने जमाने में कैसे चलती थी, ये तो एकदम फ्यूचरिस्टिक कार है। इसको देखो मैं पैडल वेडल कितना ज्यादा मस्त है, इसको भी थोड़ा सा चला के आते देखते कितनी ज्यादा फास्ट ये है। और गाइस ये बहुत ही ज्यादा मस्त है, ये थोड़ी ओल्ड विंटेज कार है, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक कार है, दोनों का मिक्सअप है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त लगा। और ऊपर इससे कुछ भी नहीं है, बारिश में लेके जाएंगे तो पता नहीं पूरा का पूरा भीग ही जाएंगे। कोई बात नहीं, इसको फटाफट से लेके चलते हैं और देखते हैं अगली गाड़ी हमारे पास कौन सी है। ओके अभी यहाँ पर आ चुकी है पुलिस वाली की गाड़ी, भी बहुत ही ज्यादा मस्त थी, बहुत ही ज्यादा पुरानी पुलिस की कार थी, बहुत ज्यादा मस्त थी। और ये एक और विंटेज कार जो कि हम नहीं चला पाए थे क्योंकि ये ब्लास्ट हो चुकी थी। इसका गेट खुलने का तरीका तो देखो, पुराने जमाने में जो गेट खुलते थे वो बहुत ही ज्यादा मस्त थे। और ये मर्सिडीज की विंटेज कार है, इसका नाम है 900 SI, ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये देखो इसको चलाने में कितना ज्यादा मजा आता है, इसका स्टीयरिंग व्हील देखो कितना ज्यादा बड़ा है, ना इसमें रेडियो है, कुछ भी नहीं है, बस बहुत ही ज्यादा मस्त कार है। इसको फुल स्पीड में चलाओ और बहुत ही ज्यादा मजे करो, विंटेज कार को चलाने में सही में बहुत बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और हमारा विंटेज कार कलेक्शन तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है क्योंकि हमने पूरा का पूरा शोरूम में लूट लिया था। और गाइस ये हमारी आखिरी कार, ये बहुत बहुत ही ज्यादा पुरानी है, ये है 1688 की, ये सही में इन पूरी पूरे कलेक्शन में सबसे ज्यादा पुरानी कार यही है, इसलिए बहुत ही ज्यादा धीरे भी चलती है और सबसे ज्यादा मस्त भी दिखती है। ये देखो भाई कितनी धीरे धीरे ये चल रही है, पर ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये हमारी सबसे खतरनाक $100 million की कार, ये मुझे सबसे खतरनाक लगी क्योंकि ये पानी के ऊपर चल सकती है, ये उड़ सकती है और पता नहीं क्या क्या कर सकती है, ये कार सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस इसी के साथ हमने सारी की सारी उस शोरूम में से गाड़ियां चुरा ली है और हमें $100 million की गाड़ी मिल चुकी है और भी बहुत सारी millions of dollars की गाड़ियां हमें मिल चुकी है, लगभग $500 million की हमने गाड़ी आज के आज चुराई है। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बताना इस वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके जॉइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे लगता है इस वाली गाड़ी में मैं इंडिया तक जा सकता हूँ। बाय बाय।